अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमने एक डिजीज को डिस्कस करना है और इसके डिटेल को जो है हमने देखना है, जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। इस पर्टिकुलर डिजीज की जो है डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक टर्म डिस्कस करनी है जिसको हम कहेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये कैसी डिजीज है जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। अब इस टर्म का हमारे पास क्या मतलब है? एक्स लिंक को पहले हम देख लेते हैं। तो एक्स लिंक्ड का मतलब है कि ये पर्टिकुलर डिजीज जो हमारे पास है, ये एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद जीन की वजह से होती है। दूसरी बात कि रिसेसिव का वर्ड यहां यूज हुआ है, मींस कि ऐसी कोई भी जनरेशन जिसमें एक्स लिंक क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट होगा, तो ये बात जरूरी नहीं है कि उसकी हर जनरेशन में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो इस डिजीज से इफेक्टेड है, तो जरूरी नहीं है कि उसके हर जनरेशन में ये डिजीज जो है वो शो हो। यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हो सकता है कि कुछ जनरेशन को स्किप करके ये डिसऑर्डर जो है सामने एग्जिबिट हो। मीन्स के रिसेसिव का हमें वैसे भी मतलब पता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन जो है हर जनरेशन में जरूरी नहीं है कि ये अपने आप को शो करेगी, मतलब कि ये डिसऑर्डर स्किप करेगा जनरेशंस को। तो दूसरी बात हमारे पास आ गई कि जनरेशन को स्किप करेगा, मीन्स कि ये जरूरी नहीं है कि हर जनरेशन में जो है वो अपने आप को शो करे, रेयरली जो है वो हमें ये नजर आएगा एक पर्टिकुलर जनरेशन में। तो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट का ये मतलब है। अब हम वापस अपनी डिस्कशन पे वापस आते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। कलर ब्लाइंडनेस जो है एक हेरिडिटरी डिजीज है जो कि एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, जिसमें कुछ खास कोन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब हमारी जो ह्यूमन आई है, जाहिर है ये आई डिजीज है, तो ह्यूमन आई से हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई में एक रफ सी डायग्राम अगर ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो ये ह्यूमन आई है हमारे पास। और जब इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो मैंने लेंस ड्रॉ किया है और यहाँ पीछे हमारे पास विट्रियस ह्यूमर जो है उसको मैंने शो करवाया है, तो जब इस पे लाइट को हम इंसिडेंट करवाते हैं और वो भी लाइट किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, तो जो लाइट है ये लेंस से गुजर के, मीन्स के कॉर्निया से गुजर के, हमारे जो है वो प्यूपल और आयरिस वगैरह से गुजर के ये रेटिना पर जो है वो फॉल होती है। और रेटिना पर फॉल होती है तो यानी रेटिना जो है हमारे पास वो इस चीज को मतलब के ऑब्जर्व करता है कि आखिर जो लाइट है वो उसकी वेवलेंथ और उसके बाद वो लाइट किस कलर की है, उस चीज को वो नोट करेगा। कैसे? कि हमारे रेटिना में कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स सेल्स हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है प्रेजेंट होते हैं इन रेटिना। ये कॉन्स सेल जो होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं 3 प्राइमरी कलर्स के लिए, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब हम इन कॉन्स सेल्स पे डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं कि कॉन्स सेल्स जो है, ये तो हमें पता लग गया कि ये रेटिना में प्रेजेंट होते हैं कौन सेल्स। अब ये कौन सेल्स जो हैं, ये हमारे पास 3 डिफरेंट प्राइमरी कलर्स, 3 हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं, उनके लिए जो है ये सेंसिटिव होते हैं। मीन्स कि उनकी ये डिफ्रेंसिएशन के लिए होते हैं प्राइमरी कलर, सॉरी, और वो प्राइमरी कलर्स हमारे पास जो हैं, जो 3 हैं, वो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं बाय दीज कॉर्न सेल्स। और यानी ये कॉर्न सेल्स भी 3 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन के लिए रेड कॉर्न, ग्रीन कॉर्न एंड ब्लू कॉर्न होती है।
अब जो है हमारे पास जो कौन सेल्स हैं ये स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि इन कौन सेल्स के पास स्पेसिफिक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स होती हैं, स्पेसिफिक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स होती हैं हर कौन सेल के पास, चाहे वो रेड को इंडिकेट करे, ग्रीन या ब्लू कलर को इंडिकेट करे। और उन लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स जो एक जो है कौन सेल्स बना रहा है, तीनों में से कोई भी कौन सेल, तो उन प्रोटीन्स को हम ऑप्सिन्स कहते हैं। ये ऑप्सिन्स रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए डिफरेंट होती हैं, और डिफरेंट कौन सेल्स के पास जो है ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। अब जो हमारे पास रेड और ग्रीन की बात करें तो इनके जो ऑप्सिन्स होती हैं ये हमारे पास प्रेजेंट होती हैं जो है एक्स क्रोमोसोम पर, जबकि जो जीन है जो ब्लू ऑप्सिन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रेजेंट होता है ऑटोसोम 7 पर। ये बात हम लिख लेते हैं कि हमारे पास, हम कलर्स के आगे लिख लेते हैं कि जो रेड और ग्रीन है इन दोनों की जो ऑप्शंस हैं इनके लिए, इन ऑप्शंस को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स पर, जबकि हमारे पास वो ऑप्शंस जो ग्रीन कलर यानी ग्रीन के कौन सेल्स के पास जो ऑप्शंस होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट होते हैं 7th ऑटोसोम पर। ऑटोसोम मींस वो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे पास सेम होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो ये हमारे पास जीन की लोकेशन भी आ गई रेड, ग्रीन और ब्लू के रिस्पॉन्सिबल ऑप्शंस को बनाने के लिए। तो ये हमारी जनरल डिस्कशन थी जो अभी तक हमने की। अब हम इसके जेनेटिक मेकअप को देखते हैं कि आखिर कलर ब्लाइंडनेस होती कैसे है और मेल और फीमेल में इनका जेनेटिक मेकअप क्या है, मीन्स के जीनोटिपिकली हमने इसको देखना है। ये टर्म जीनोटिपिक जो मैंने बोली है ये आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है, इस हर टर्म को मैंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे हम उन पर्टिकुलर टर्म्स को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो हम इसका जेनेटिक बेसिस देख लेते हैं। तो ये हमें पता है कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है हमारे पास ये, और हमारे पास जो मेल और फीमेल में इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो किस तरह का होता है उसको भी देख लेते हैं। पहले हम मेल की बात कर लेंगे जिसको हम इस संश से शो करते हैं यूजुअली, और फीमेल का भी हम जेनेटिक मेकअप देखेंगे जिसको हम इस संश से शो करते हैं। हमें पता है कि जो मेल के पास जो है एक्स वाई सेटअप होता है हमारे पास क्रोमोसोम का, तो यहां लिखते हैं एक्स वाई, दोबारा से एक्स वाई, वो मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि हम पॉसिबल जेनेटिक मेकअप देख सकें कि मेल में कौन कौन से पॉसिबल जेनेटिक मेकअप बन सकते हैं, जबकि फीमेल में 3 किस्म के जेनेटिक मेकअप बन सकते हैं। हमें पता है कि फीमेल में एक्स एक्स ही प्रेजेंट होता है, तो यहां पर 3 डिफरेंट जेनेटिक मेकअप बन सकता है, वो कैसे देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक्स के ऊपर कैपिटल सी प्रेजेंट हो तो मीन्स के वो मेल जो है वो हमारे पास नॉर्मल मेल है। लेकिन अगर हमें पता है कि ये एक्स लिंक डिजीज है तो एक्स को ही हमने देखना है, हमने यहाँ वाई को नहीं देखना। वाई वैसे भी सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, और वाई के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं या तो वो मिसिंग होते हैं या वो किसी और ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या तो वो काउंटर पार्ट ही नहीं होता उनका एक्स क्रोमोसोम के लिए। तो एक्स को हमने देखना है सिर्फ, तो मेल में तो हमें पता है सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, वो ही डिटरमाइन करेगा कि एक पर्टिकुलर मेल को कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, जबकि फीमेल में हमें दोनों एक्स को देखना पड़ेगा। तो मेल में एक तो कैपिटल सी आ गया एक्स पर, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ऐसा मेल नॉर्मल मेल कहलाएगा क्योंकि उसके पास डोमिनेंट जो है वो करेक्टर आ गया है, जबकि ये डिसऑर्डर रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक्स के ऊपर स्मॉल सी भी हो सकता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये पर्टिकुलर मेल अफेक्टेड है। अब हमारे पास टू जेनेटिक
जो है कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गए हैं, और जब भी हमारे पास टू जेनेटिक कॉम्बिनेशन आ जाए या जितने भी आ जाए, हम उसको हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, और 100 से डिवाइड करने पर पता लग रहा है यहाँ पर 50% चांस है होने का और ना होने का. मीन्स कि इस डिजीज का जो है पेशेंट होने का 50% चांस भी है और 50% इससे बचे रहने का भी चांस है मेल में. इनकेस ऑफ मेल बात हो रही है. अब हम फीमेल को डिस्कस कर लेते हैं. तो फीमेल में या तो हमारे पास होमोजाइगस जो है वो डोमिनेंट करेक्टर मौजूद हो सकता है. दोबारा देख लेते हैं कि कैपिटल सी, अगर कैपिटल सी दोनों में प्रेजेंट है तो ये तो होमोजाइगस केस बन जाएगा. होमोजाइगस डोमिनेंट मींस कि ये फीमेल नॉर्मल है. दूसरा केस कि एक सी कैपिटल हो एक सी स्मॉल हो. ये केस हमारे पास जो है ये भी ये शो करवा रहा है कि ये फीमेल नॉर्मल है. क्यों? क्योंकि ये बात हमें पहले से पता है, पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस हुई कि हमेशा डोमिनेंट करेक्टर रिसेसिव को मास्क कर देता है और खुद अपीयर हो जाता है, और ऐसे करेक्टर को डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं, और जो है रिसेसिव करेक्टर वो होता है जो कि मास्क हो जाता है. तीसरा जो है पॉसिबल जेनेटिक कॉम्बिनेशन ये है कि दोनों के पास स्मॉल सी हो, मीन्स के होमोजाइगस रिसेसिव. ये फीमेल जो है ये अफेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर स्मॉल सी ही असल में डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर दोनों सी स्मॉल है और दोनों एक दूसरे के एक्सप्रेशन को सपोर्ट कर रही है, ना कि मास्क या अपीयर कर रही है. तो यहाँ पर जो फीमेल होगी वो डिजीज्ड होगी, मीन्स के वो इस कलर ब्लाइंडनेस का शिकार होगी. तो यहाँ पर जो है अगर ये जो जितने भी यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहे हैं वो तीन किस्म के हैं, तो हम जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो हर एक की 33.3% आएगी. मींस कि 33.3% चांस जो है वो हमारे पास डिजीज कॉज होने का है, जबकि 66.6% हमारे पास है कि हम फीमेल में, मींस कि जो फीमेल है वो इस डिजीज से बच सकती है. यानी ये डिजीज मेल में ज्यादा होती है. इस सारे डेटा का हमारे पास ये सोल्यूशन आया, यानी ये हमने कंक्लूड किया इस डेटा से जो जेनेटिक बेसिस पे असल में हमने देखा, तो हमें ये पता लगा कि मेल में 50% चांस है जबकि फीमेल में 33.3 चांस है डिजीज होने का, और 50% चांस है मेल नॉर्मल हो और 66.6% चांस है कि फीमेल नॉर्मल हो. तो किसका ज्यादा चांस बन रहा है, यानी मेल इस चीज को ज्यादा जो है वो अडेप्ट करता है, और क्योंकि ये हमारे पास जेनेटिक कॉम्बिनेशन इस चीज को जो है वो इंडिकेट कर रहा है. तो ये तो हमने जेनेटिक बेसिस देख ली कि किस तरह ये डिजीज मेल में ज्यादा प्रेजेंट होने के चांसेस हो सकते हैं या फीमेल में, तो हमें पता लगा ये मेल में. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजन देख लेते हैं कलर ब्लाइंड जो है पेशेंट की. टाइप्स ऑफ विजन मीन्स कि कलर ब्लाइंड पेशेंट की भी टाइप्स होती हैं कि उनको दिखता कैसे. तो इसकी हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्राइक्रोमेट. पहले हम टर्म्स को लिख लेते हैं फिर हम इनको डिफाइन करेंगे. या डाइक्रोमेट सेकेंड हमारे पास जो है इसकी टाइप है, और लास्ट में मोनोक्रोमेट्स. अब ये हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप्स आ गई. किसकी? विजन की. मींस के कलर ब्लाइंड जो पेशेंट होते हैं उनमें किस किस तरह की टाइप्स पाई जाती हैं. ट्राइक्रोमेट्स असल में एक ऐसी टाइप है हमारे पास जिसमें तीनों कलर जो है पेशेंट को नजर आते हैं, मींस के रेड ब्लू और ग्रीन. ये तीनों पेशेंट देख सकता है कलर, जिनको डिफ्रेंशिएट कर सकता है, और ऐसे जो है जाहिर है इस तरह के विजन को हम नॉर्मल कलर विजन बोलेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट प्राइमरी थ्री कलर जो है हमारे पास उनको डिफ्रेंशिएट आसानी से कर पा रहा है ऐसा इंडिविजुअल, जिसको हम डाइक्रोमेट कह रहे हैं. दूसरा हमारे पास है डाइक्रोमेट, जो सिर्फ दो कलर्स को देख सकता है. जबकि जो लास्ट है
मोनोक्रोमेट ये सिर्फ एक ही कलर को परसीव कर सकते हैं। और वो जो पर्टिकुलर कलर जिनको मोनोक्रोमेट्स जो हैं वो देख सकते हैं वो यूजुअली ब्लू कलर होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें मैं स्टार लगा रही हूँ, ब्लू कलर है इसको देख सकते हैं। और ये जो है मोनोक्रोमेसी जो है ये एक ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है हमारे पास, यानी इसमें ब्लू कॉन जो है वो प्रेजेंट होती है और सिर्फ उसी के ऑप्शंस बनते हैं जो एक लाइट को उसकी वेवलेंथ को जो है ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्लू कलर की वेवलेंथ है। जबकि इस तरह के इंडिविजुअल्स में रेड और ग्रीन दोनों कॉन सेल्स एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे जो है इंडिविजुअल्स को हम ये भी कह सकते हैं, ये भी आसान टर्म है समझाने के लिए, कि ये इंडिविजुअल्स जो सिर्फ ब्लू कलर को देख सकते हैं उनको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड भी कहते हैं। और ये भी आसान है इस चीज को समझना, जाहिर है कि ये दो कलर्स ही हैं जिनको ये नहीं देख सकते, तो यानी कि ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड है और ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास डायक्रोमेट है इसकी मजीद तीन टाइप्स हमारे पास हैं। अब इन मजीद जो है हमारे पास डायक्रोमेट की थ्री टाइप्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डायक्रोमेट्स को, जिसकी फर्दर हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। पहले टाइप्स के नाम को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। प्रोटोनोपिया, सेकंड टाइप है हमारे पास ड्यूट्रियोनोपिया, थर्ड टाइप है हमारे पास ट्राइडनोपिया। ये तीन फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास डायक्रोमेट्स की। अब इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि इन टाइप्स में आपस में डिफरेंट क्या है, कि जो प्रोटोनोपिया है ये रेड ब्लाइंडनेस है, ये हमारे पास रेड ब्लाइंडनेस है। और जो जो ड्यूट्रोनोपिया है हमारे पास ये ग्रीन ब्लाइंडनेस है। और ट्राइडनोपिया हमारे पास ब्लू ब्लाइंडनेस है। मींस के हमारे पास जो सेकंड जो है और थर्ड जो टाइप्स हैं डायक्रोमेट्स की, ये साफ साफ पता लग रहा है कि ये ग्रीन कलर को जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उनको देख नहीं पाते। जबकि ट्राइडनोपिया जो है ऐसे पेशेंट्स हैं जो ब्लू ब्लाइंडनेस मींस के ब्लू कलर को देख नहीं सकते, जबकि प्रोटोनोपिया जो है रेड ब्लाइंडनेस जिसको कहा गया है, ये असल में क्या होता है इस केस में, मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये रेड ग्रीन और ब्लू कलर है। तो ये रेड और ग्रीन को जो है आपस में ओवरलैपिंग फॉर्म में इनको जो है वो नजर आते हैं, मीन्स के इनका जो परसेप्शन है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट शेड्स ऑफ दीज कलर्स वो अल्टर हो जाता है। मीन्स कि ये उनके शेड्स को सही से जो है उनको नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह, जबकि ये ब्लू कलर को आसानी से जो है वो देख सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ ब्लू कलर की है। लेकिन ये दो कलर जो है इसको ओवरलैपिंग फॉर्म में नजर आते हैं, मीन्स के डिफरेंट ह्यूज या डिफरेंट जो है वो शेड जब बनाए जाते हैं इन दो कलर्स के, तो वो ऐसे पेशेंट्स जो प्रोटोनोपिया जिनको कहा गया है वो ऐसे शेड्स या ह्यूज को जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो ऐसे जो है इंडिविजुअल्स जिसकी टाइप नंबर वन है हमारे पास डायक्रोमेट्स की प्रोटोनोपिया, वो रेड ब्लाइंडनेस कहलाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कलर ब्लाइंडनेस को देखा, इसकी हमने जेनेटिक बेसिस देखी। पहले हमने इसको डिस्कस किया कि इसका जो है वो बेसिक जो है क्या नॉलेज है इसकी, कि ये डिजीज हमारे पास कौन सी जो है इसकी टाइप है और ये हमारी ह्यूमन आई में किस सेल को जो है इफेक्ट करती है और किसकी एब्सेंस और प्रेजेंस की वजह से ये डिजीज हमारे पास कॉज होती है। फिर हमने देखा कि मेल और फीमेल में ये कौन से ऐसे जो है
जेनेटिक कॉम्बिनेशन है बन सकते हैं और उसके मुताबिक मेल और फीमेल में इनमें से ज्यादातर कैरियर इस डिजीज का कौन होता है। तो ये वैसे भी हमारे पास जो डिसऑर्डर है ये zigzag फॉर्म में जनरेशन टू जनरेशन चलता है। पहली बात कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मींस कि ये हर जनरेशन में नहीं होता, स्किप करके जनरेशन को जो है वो चलता है। दूसरी बात कि ये zigzag फॉर्म में चलता है, मींस कि ये पहले ग्रैंडफादर से अपनी कैरियर डॉटर की तरफ जाएगा। वो कैरियर डॉटर ऐसी होगी जिसमें एक डोमिनेंट जो है एलील वो मास्क कर देगा रिसेसिव एलील को, जो है डिजीज कॉज करने वाला रिसेसिव होगा, जिसको वो डोमिनेट जो है वो तो कर देगी, लेकिन वो होगी कैरियर। फिनोटिपिकली वो एक नॉर्मल होगी, लेकिन वो जीनोटिपिकली यानी कि जेनेटिक बेसिस पे जेनेटिक मेकअप के तहत उसके पास वो रिसेसिव फॉर्म में अलील प्रेजेंट जरूर होगा जो कलर ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। लेकिन जब मजीद आगे जनरेशन चलेगी तो वो कैरियर डॉटर जिसने फादर से वो इनहेरिट किया था एक्स जो है क्रोमोसोम जो कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो वो अपने सन को वो जीन जरूर ट्रांसफर कर सकती है। और वो सन वो सिर्फ कैरियर नहीं होगा बल्कि वो खासा इफेक्टेड जो है वो इंडिविजुअल होगा जब वो बड़ा होगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस ज्यादातर मेल में प्रेजेंट होती है और ये डायरेक्टली फादर से सन में ट्रांसफर नहीं होता, पास नहीं होता, ये एक zigzag फॉर्म में जनरेशन टू जनरेशन चलता है। तो ये थी इसकी काफी डिटेल जिसको हमने देखा, टाइप्स को देखा और इसकी डिफरेंट जो है विजन को देखा कि डिफरेंट जो है हमारे पास इंडिविजुअल्स होते हैं और वो डिफरेंट कलर्स को, जरूरी नहीं है कि अगर एक कलर ब्लाइंड पर्सन है वो तीनों कलर नहीं देख सकता, जरूरी नहीं कि वो दो कलर को देखे। मीन्स कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको आज हमने डिफ्रेंशिएट किया और इसको एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं फिर कहती चलूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।